कंफ्यूज हैं कि उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए या फिर एक पेट्रोल वाली स्कूटी लेनी चाहिए। इलेक्ट्रिक को ही प्रेफर किया जा रहा है हर जगह, इलेक्ट्रिक को। 115,500 रुपये हमारे बच गए वन टाइम चार्जिंग पे, जो उसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 18 से 19 रुपये कॉस्ट करती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर्स गुरु। और आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है उन लोगों के लिए जो कि कंफ्यूज हैं कि उनको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी चाहिए या फिर एक पेट्रोल वाली स्कूटी लेनी चाहिए। मेरे पीछे अभी आपको यहाँ पे iQube इलेक्ट्रिक खड़ी है और यहाँ पे बहुत सारी और भी गाड़ियाँ दिखा देते हैं आपको, जैसे कि यहाँ पे Ntorq वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। यानी कि मैं अभी कंपेरिजन करने वाला हूँ कि आपको पेट्रोल में क्यों जाना चाहिए या फिर आपको इलेक्ट्रिक में क्यों जाना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, अभी बड़ी देर से बैठा हुआ था, कन्फ्यूज़ था काफ़ी टाइम से मैं कि हमें एक इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों लेनी चाहिए, क्या मुझे उसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और क्यों नहीं लेनी चाहिए दोनों चीज़ें, और पेट्रोल भी लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए, दोनों चीज़ें बताते हैं, ठीक है। सो मैंने ऑलमोस्ट बड़ी देर बैठ के एक पर्चा तैयार किया था, ठीक है, जिसमें डिटेल वाइज मैंने देखा कि यार क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर बात करूँ, मैं अभी जो व्हीकल यूज़ कर रहा हूँ, मान लो अगर ये iQube अभी यहाँ पे खड़ी है, iQube में दो तीन वेरिएंट आते हैं, तो हम बेसिक वाला, बेसिक से ऊपर वाला जो S वाला आता है iQube S, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 140,000 रुपये ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है, और उसमें लगभग 17,000 रुपये आपको सब्सिडी और मिलती है जो कि बाद में मिलती है, उसको अभी हम घटा नहीं रहे हैं, 140,000 के अकॉर्डिंग हम उसको काउंट कर रहे हैं। और अगर हम एक बढ़िया स्कूटी लेते हैं, Ntorq लेते हैं, लगभग 1,18,000-1,20,000 के आसपास आपको कॉस्ट करती है, जो कि है Ntorq XT, टॉप मॉडल सारे फीचर्स वगैरह के साथ आपको वो मॉडल मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करने वाले हैं। अब वहाँ पे आपको और जो यहाँ पे प्राइसिंग का फ़र्क पड़ रहा है, स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यार इतनी महंगी क्यों लें या फिर इलेक्ट्रिक क्यों लें। सो जो प्राइसिंग का फ़र्क आ रहा है, मात्र 22,000 रुपये आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे कर रहे हैं, जो कि 17,000 आपको मिलने वाला है आफ्टर 2 मंथ्स के अंदर अंदर ऑलमोस्ट मिल जाता है आपको। तो हमने ये कैलकुलेट किया कि हम 22,000 रुपये अभी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ठीक है। बट उसके अलावा कुछ चीज़ें हम जैसे बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटी में हमें जो रेंज मिलती है लगभग 100 किलोमीटर है, इसकी जो रेंज है 100 किलोमीटर की है, एक बार अगर हम चार्ज करेंगे इसको तो लगभग 100 किलोमीटर तक ही चलेगी। बट वहीं पर अगर हम बात करें एक पेट्रोल गाड़ी की, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसे ही हम पेट्रोल फिल करेंगे वो इतना किलोमीटर चलती रहेगी, तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप किसी लंबे रूट के लिए या आप ज़्यादातर जो आपका रेगुलर यूज़ है वो लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे है या लंबे रूट पे अगर आप जाते हैं, तो डेफिनेटली यू डोंट गो फॉर एक इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। सो अगर आपको लंबे रूट ले जाना है तो आप वहाँ पे पेट्रोल ही चूज़ करोगे, क्योंकि लंबे रूट पे आप इलेक्ट्रिक को जल्दी से चार्ज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी इतने सारे ऑप्शंस नहीं हैं कि आप इंस्टेंट चार्ज कर पाओ। बट एक पेट्रोल गाड़ी आप लेके जा सकते हो, तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है कि यार आप एक पेट्रोल गाड़ी को लेके जा पाओगे बट वहीं पे इलेक्ट्रिक गाड़ी को नहीं ले पाओगे। तो ये सिर्फ एक माइनस पॉइंट है कि अगर आपको लंबे रूट पे जाना है तो आप इसको परचेस मत करो, अदरवाइज आप इसका देख सकते हो कंपैरिजन, आगे देखो अब आगे क्या बेनिफिट है, ठीक है। सो हमने एक एवरेज निकाली कि जो इसकी टॉप स्पीड आती है लगभग 70-80 के आसपास टॉप स्पीड इसकी आती है, वहीं पर जो पेट्रोल गाड़ी है उसकी 105, 100 प्लस चली जाती है, ठीक है। तो पावरफुल गाड़ी अगर आपको चाहिए, हाईवे में ज़्यादा रनिंग है, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर पेट्रोल। वंस अगेन, पेट्रोल विन, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है आपको कितने कहाँ पे जाना है, कितनी दूरी जाना है, तो कोई लिमिटेशन नहीं है, और टॉप स्पीड की ऑलमोस्ट 100 प्लस आपको मिल जाती है, ठीक है, एक अच्छी स्पीड मिल जाती है। वहीं पे अगर 70-80 किलोमीटर की बात करें तो ये भी सफिशेंट है सिटी राइडिंग के लिए, 70-80 किलोमीटर बहुत होती है, टॉप स्पीड इतना भी सफिशेंट है, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करी कि यार इसका जो कॉस्टिंग आ रही है वो कितना आ रहा है। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करता हूँ वन टाइम चार्जिंग पे, जो उसकी कॉस्ट पड़ती है लगभग 18 से 19 रुपए कॉस्ट करती है, सो 18-19 रुपए पे करने के बाद एक बार मेरी स्कूटी चार्ज होती है, वहीं पे ये एक बार चलने में लगभग 100 किलोमीटर चलती है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर चलने पे यानी कि 19 रुपए अगर हम मोटा मोटा लगाते हैं तो लगभग 19 पैसे पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई। वहीं पे अगर हम पेट्रोल की बात करें लगभग 96-100 के आसपास चला जाता है, ठीक है, 100 के एवरेज अगर हम लगाएं तो उसकी जो कॉस्ट आती है पर किलोमीटर वो लगभग आती है 2.5 रुपये के आसपास, ठीक है। सो हमने एवरेज लगाया कि अगर हम कोई स्कूटी लेते हैं तो 50,000 किलोमीटर के आसपास तो हम चलाएंगे 5 साल में कम से कम, ठीक है, 50 साल की एक एवरेज लेके जा रहे हैं। अब हम 50,000 किलोमीटर अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो कॉस्ट आ रही है हमारी, अगर हम पेट्रोल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो लगभग वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 1,25,000 रुपये ऑलमोस्ट खर्च करने पड़ जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल पे।
तो 50,000 किलोमीटर अगर मैं ड्राइव करता हूँ तो मुझे लगभग 5 साल में 1,25,000 रुपये कॉस्ट करने पड़ेंगे, और जो भी उस टाइम पे पेट्रोल के प्राइसेस होंगे वो इंक्रीज होंगे वो अलग है। अभी के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, और वही हम इलेक्ट्रिक का भी हम उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रिक की बात करें, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी 50,000 किलोमीटर चलती है तो आपका जो कॉस्ट आने वाला लगभग 9,500 रुपये। कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल गया, ऑलमोस्ट 1,15,500 रुपये हमारे बच गए। जहाँ पे हम 22,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे थे इलेक्ट्रिक गाड़ी में देने के लिए, आज वहाँ पे 5 साल बाद की अगर कॉस्ट देखी जाए तो वहाँ पे हमें 1,15,000 रुपये हमारे सेव करके चली गई हमारी स्कूटी, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटी। तो अगर हम बात करें क्यों लेनी चाहिए हमें इलेक्ट्रिक स्कूटी, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा है। आप अगर हैं कि यार आप सोचते हैं कि आप अपने पॉल्यूशन के बारे में, यानी कि फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं कि यार फ्यूचर में आपके बच्चों को पोल्यूशन की दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो आज के टाइम पे यार, मैं ये आप पे पर्सनली कोई भी मत लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि ये इन्वायरमेंट के पर्पज़ से है, इन्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इन्वायरमेंट आपको पता है दिन ब दिन ख़राब हो जा रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक के ऊपर जा रही है बार बार, ठीक है। तो ये कारण है कंपैरिजन बनाने का। बहुत सारे लोग हैं कंफ्यूज हैं आज के टाइम पे, हम खुद कंफ्यूज रहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक लूँ या कि नॉर्मल लूँ। तो ये कंफ्यूजन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम्प्लीटली आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि यार मुझे लेना क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो हमने ये कंपैरिजन किया तो लगभग हमारे 1,15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं हम पेट्रोल गाड़ी में। अब अगर एक और चीज़, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यार 1,15,000 छोड़ो अभी तुम, वो ये जो बेनिफिट है इसको हटा देते हैं यार, ये बोलते हैं। मैं मोटा मोटा बहुत सारे लोगों से पूछा है कि यार इलेक्ट्रिक गाड़ी आप क्यों नहीं ले रहे हो, वो बोलते हैं यार जब 4-5 साल बाद इसकी बैटरी ख़राब हो जाएगी तो मुझे तो बहुत पैसे पे करने पड़ेंगे। भाई ऐसा नहीं है, कोई आप इतनी बड़ी गाड़ी नहीं ले रहे जिसमें आपको 4-5 लाख रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। अगर हम कॉस्ट लगाएं आज के टाइम पे जो एक लिथियम बैटरी की कॉस्ट आती है इन गाड़ियों की, इसमें लगभग 2 लिथियम बैटरी लगी हुई हैं, उनकी अगर कॉस्ट की बात करें लगभग 12-12 हज़ार रुपये पर बाइक मतलब पर बैटरी पड़ता है, तो अप्रॉक्स 24,000 रुपये आज की कॉस्ट है। आने वाले टाइम पे क्या कॉस्ट होगी नो आइडिया, और अभी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो लगभग 24-25,000 रुपये की आपकी बैटरी की कॉस्ट है। और अभी हम जो वारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो लगभग 3 साल और 50,000 किलोमीटर है, तो 50,000 किलोमीटर की अगर आपको वारंटी दे रही है कंपनी, दैट मीन उनको भरोसा है कि यार 50,000 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। सो 50,000 हम 5 साल का एवरेज लगाने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद भी डिपेंड करता है आपकी रनिंग पे, आप किस कंडीशन पे गाड़ी चला रहे हो, उन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। और उस हिसाब से हमारी जो पेट्रोल की बात करें तो लगभग पेट्रोल गाड़ी हमें 60,000 किलोमीटर या फिर 5 साल की वारंटी प्रोवाइड करती है। बट इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसके अंदर आने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी की अगर बात करें, आप सभी को पता है इसमें क्या मेंटेन करोगे, इसमें इंजन ऑयल आपको डालना नहीं है, इसमें कोई इंजन के पार्ट अलग से लगने नहीं है, ठीक है। सिर्फ कोई मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपको कॉस्ट करती है 410 रुपये के आसपास इसकी सर्विसिंग कॉस्ट है, जो आपको लगभग 6 महीने या फिर 4,000 किलोमीटर के आसपास आपको पे करना पड़ता है। वहीं पर अगर हम जाएँ एक पेट्रोल गाड़ी की तरफ तो वहाँ पे हमें स्टार्टिंग के जो 4 सर्विसेज वगैरह होती हैं या 1 साल, उसमें हमें फ्री कॉस्ट मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें जो ऑयल के चार्जेस होते हैं पे करने पड़ते हैं लगभग 400 रुपये के आसपास, 300-400 रुपये। और जब वो पेड सर्विस हो जाती है लगभग 600-700 रुपये कॉस्ट पे करना पड़ता है उसके बाद। तो एवरेज मैंने भी वो भी लगाया कि अगर हम हर 4,000 किलोमीटर के एक सर्विस करा रहे हैं तो जो हमें इलेक्ट्रिक गाड़ी की कॉस्ट पड़ने वाली है लगभग 5,125 रुपये कॉस्ट पड़ती है एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट 5 साल में 50,000 किलोमीटर के अंदर में। ये आप 50,000 किलोमीटर पहले भी कंप्लीट कर सकते हैं, बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें एक पेट्रोल स्कूटी की तो वहाँ पे उसकी जो कॉस्टिंग आने वाली 8,400 रुपये हमें नॉर्मल सर्विसिंग की कॉस्ट है। उसके अलावा उसमें चैन सेट हो गया, पार्ट्स वगैरह कोई डलने पड़ गए, उसकी कॉस्टिंग अलग है। आप मेरी वीडियोस वगैरह देखते रहते होंगे, अभी मैंने रिसेंटली एंटॉक को सर्विस कराया तो वहाँ पे 700 रुपये के आसपास कॉस्ट पे करी। उसके अलावा और भी सारी चीज़ें होती हैं वो कॉस्ट पे करने पड़ती है। तो मेंटेनेंस तो इसमें भी थोड़ा बहुत होगा कि मान लो टायर वगैरह कुछ रेसिंग वगैरह में ऐसे मेंटेनेंस तो होती रहती है, लेकिन उसके अलावा मेजर जो इसमें फैक्ट है सिर्फ एक बैटरी का ही है जो दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसमें भी आपके जो बाइक कॉस्टिंग है ना वो 3 साल तक तो वैसे भी कवर है यार, 50,000 किलोमीटर तक। तो दोनों में आपको चिंता तो करनी पड़ेगी, लेकिन सर्विसिंग कॉस्ट कहीं ना कहीं आपको जो पेट्रोल स्कूटी है उसमें ज़्यादा पे करना पड़ता है। सो एट द एंड अगर देखा जाए दोनों गाड़ियों में तो लगभग मैंने एवरेज लगाया, अगर हम ये कॉस्ट हटा भी देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा लगभग 93,500 रुपीज़ हमारे बच जाते हैं। हम एक इलेक्ट्रिक स्कूटी अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे हमारा लगभग 93,000 के आसपास बच रहा है,
प्लस जो एक्स्ट्रा एड ऑन सर्विसेज वगैरह है वो टर्म कंडीशन छोड़ दो वो अलग है, वो जो एक्स्ट्रा पे करना पड़े लगभग और जो हम 17,000 रुपये स्टार्टिंग में छोड़े थे अगर वो मिल जाते हैं तो लगभग 1,00,000 से ऊपर आपके बच जाते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं। क्यों लेना चाहिए बता दिया, एनवायरनमेंट की वजह से आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रिक को ही प्रेफर किया जा रहा है, हर जगह इलेक्ट्रिक को प्रेफर किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ना लेने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि आपको लंबे रूट पे जाना है, एक पावरफुल ज़्यादा पावरफुल आप देख रहे हैं स्कूटी तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि यार एक इलेक्ट्रिक स्कूटी हमें छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे कॉस्टिंग भी कम है। आप सभी को पता है धीरे 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 प्राइसिंग बढ़ते जा रहे हैं पेट्रोल के भी, पेट्रोल वाले जो मतलब स्कूटी आती है उनके भी, और जो इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ आ रही हैं उनके भी। एक अच्छी स्कूटी अगर आप अभी ग्रैब कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे आपको जो है ना हैबिट हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी कैसे यूज़ करनी है क्या कॉस्टिंग आ सकती है, तो उन चीज़ों की आपको नॉलेज होगी, तो फ्यूचरिस्टिक आप ऑलरेडी बन चुके होंगे, आपको सब चीज़ें पता होंगी। सो आई होप जितनी भी मैंने कंक्लूजन निकाला कि यार अगर आपको एक बाइक ऐसी पावरफुल चाहिए और लंबे रूट के लिए चाहिए तो आप पेट्रोल पे जाना, अगर आपको लंबे रूट की ज़रूरत नहीं है आप नॉर्मल सिटी में चलाते हैं तो भाई इलेक्ट्रिक इज़ द बेस्ट, और आपके पैसे भी बचते हैं, पॉल्यूशन का भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, एनवायरनमेंट को कम हार्म होता है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ गई होगी और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ चुके होंगे, और अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो भाई इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो कन्फ्यूज हैं कि उनको इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए या फिर पेट्रोल लेनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय गाइज़।